वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दर्शन एकेडमी। आई एम योर मेंटर डॉक्टर प्रियंका। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है नीट कट ऑफ 2023। जैसा कि कल रात एनटीए ने नीट 2023 का रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया, अब बच्चे कंफ्यूज हैं कि नीट 2023 का कट ऑफ इस साल क्या जाएगा। तो ये डिस्कस करने के पहले हम सारे पॉइंट्स देखेंगे कि हम किस किस पॉइंट्स पे आज बात करने वाले। सबसे पहली बात तो यही कि नीट 2023 का कट ऑफ कितना जाएगा। दूसरी बात ये कि भाई हमें कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे कि हमें कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो आपको मिल जाएगा। उसके साथ में इस साल कितनी अप्रॉक्स सीट या फिर कॉलेज जो है वो इंक्रीज हुआ। तो लगभग ये तो मैं आपको यही बता देती हूँ, लगभग आप मान के चलो 1500 अप्रॉक्स जो है वो इंक्रीज हुआ है। फिर उसके बाद में इस साल विल देयर बी अ कॉमन काउंसलिंग। इस साल कॉमन काउंसलिंग होगा तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। स्टेट में ऐसा रहता है कि कोई स्टेट जो होता है उसका रैंक जो है वो बहुत हाई जाता है, किसी स्टेट का रैंक बहुत लो जाता है। अगर कॉमन काउंसलिंग होता है तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। लास्ट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि ऐसा क्या सेफेस्ट स्कोर है जिसके बाद में हम आराम से चैन की सांस ले सकते हैं कि अब तो हमारा हो ही जाएगा, है ना, या फिर हम अगले साल के लिए वापस तैयार हो जाए, वापस उसके लिए तैयारी करने लग जाए। तो सबसे पहला तो हम यही देखेंगे कि इस साल कितने बच्चे जो हैं उन्होंने रजिस्टर करा था, कितने बच्चे अपीयर हुए थे, एंड लास्टली कितने बच्चे जो है क्वालिफाई हुए। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 20 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। पिछले साल कितना दिया था, 18 लाख बच्चों ने दिया था। इस साल जो क्वालिफाइड हुए हैं स्टूडेंट्स वो हुए हैं लगभग 11 लाख बच्चे क्वालिफाइड हुए। कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए, 11 लाख। अगर पिछले साल अगर हम देखेंगे तो लगभग 10 लाख के समथिंग बच्चे जो थे वो क्वालिफाइड हुए थे। इसी के बेसिस पे हम देखेंगे कि भैया क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा। 2022 और 2023 दोनों का हम कंपेयर करेंगे तो इस साल जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी का जो क्वालिफाइंग मार्क्स गया वो गया है 137। ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी का जो मार्क्स गया है वो गया है 107 मार्क्स गया है। कितना गया है, 107 मार्क्स गया है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो टॉप 50 कैंडिडेट्स की बात करेंगे। जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि सबसे फर्स्ट और सेकंड रैंक अगर बात करेंगे तो फर्स्ट रैंक जो है वो प्रभंजन जे का आया है जिसका मार्क्स आया है 720, और सेकंड जो जिसका रैंक आया है जिसका नाम है बोरा वरुण उसका भी मार्क्स कितना आया है 720। पिछले साल के कंपैरेटिवली इस साल अगर हम बात करें तो जो 50th रैंक जो आई है, 50th रैंक जो आई है वो कितने मार्क्स पे आई है, 710 मार्क्स पे आई है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि जिस बच्चे के 710 से कम नंबर आए वो एम्स दिल्ली तो नहीं ले पाएगा। अगर मैं बात करूं तो इस साल 716 मार्क्स लाने वाला एक स्टूडेंट है, 720 मार्क्स लाने वाला दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दो स्टूडेंट्स हैं। वहीं अगर हम बात करें 715 मार्क्स लाने वाला लगभग 16 स्टूडेंट्स हैं, और 705 मार्क्स, है ना, 710 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स जो है वो 22 स्टूडेंट्स जो है वो ऐसे हैं जिनके 710 मार्क्स आए। पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो हमने टॉप 50 रैंक 58 स्टूडेंट का रैंक देखा तो उसके जो मार्क्स हैं वो कितने थे, 710। यही मार्क्स अगर हम बात करें 2022 की, अगर हम बात करेंगे 2022 की, तो ये जो 58 रैंक थी वो कितने पे हो गई थी, 105 पे। मतलब 105 पे 58 रैंक हमें देखने को मिला था। लेकिन इस साल अगर हम बात करेंगे टॉप 100 जो स्टूडेंट्स हैं, टॉप 100 स्टूडेंट्स जो हैं उनका जो मार्क्स है वो है 105। उनका जो स्कोर गया है वो गया है 105, जस्ट अपोजिट, है ना, जस्ट डबल अगर हम बात करें। तो इस कैलकुलेशन से, इस एनालिसिस से हमें इतना तो समझ में आ गया है कि इस साल का जो रैंक गया या फिर जो कट ऑफ गया है वो काफ़ी ज़्यादा गया है ना, काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें रैंक का, तो पिछले साल 705 जिस बच्चे का नंबर था उसकी रैंक आई थी 33। लेकिन अब इस साल अगर हम बात करें तो जिस बच्चे की रैंक, जिस बच्चे की मार्क्स 705 आए उस बच्चे की रैंक आई है 154। मतलब वो टॉप 100 में भी नहीं रहा। फिर उसके बाद में जिस बच्चे की 700 मार्क्स आए थे वो टॉप 50 में आ गया था, लेकिन इस साल वो टॉप 320 में आया। वहीं अगर हम बात करें 615 मार्क्स का, तो पिछले साल वो 14,000 स्टूडेंट्स में आ गया था, लेकिन इस साल वो 20,000 स्टूडेंट्स में। कितना ज़्यादा रेशो है, है ना। तो इस बात से हमें ये क्लियर हो गया कि इस साल का कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा गया है।
तो आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना करते हुए मैं आपके पॉइंट पे आती हूँ कि इस साल हमारा क्या एक क्लोजेस्ट, अगर हम बात करेंगे क्लोजिंग रैंक की बात करेंगे ना, तो पिछले साल के कंपैरेटिवली जो ऑल इंडिया काउंसलिंग कोटा था, तो ऑल इंडिया काउंसलिंग के बेसिस पे, कोटा रैंक के बेसिस पे उन्होंने क्लोजिंग रैंक क्या डाला था, तो जनरल कैटेगरी के लिए उन्होंने डाला था 22,237, जिस बच्चे की रैंक है उसको मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो 23,011 जो बच्चे, जिस बच्चे की रैंक आई थी उस तक उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। PWS की बात करेंगे तो 23,166, SC की बात करेंगे अगर हम तो 119091, एंड ST की बात करेंगे तो 150172। ठीक है, जिसकी रैंक इतनी आई थी उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। लेकिन अगर इस साल की अगर हम बात करेंगे तो जिस बच्चे की जनरल, जो बच्चा जनरल कैटेगरी में है उसको रैंक कितना, 23,000 रैंक लाना पड़ेगा तो फिर उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। 23,000 रैंक से अगर हम बात करेंगे तो 23,000 रैंक से हम क्या समझेंगे, कितने मार्क्स आने चाहिए उसके, लगभग 600, लगभग उस बच्चे के 608 से लेके 610 मार्क्स अगर आता है बच्चे का तो फिर वो इसके लिए कैसा होगा, क्वालिफाइड होगा, उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। वही अगर हम बात करेंगे ओबीसी वाली कैटेगरी के बच्चे की तो उसकी कितना होना चाहिए, लगभग 23,500 रैंक होना चाहिए। ठीक है, मतलब कितना मार्क्स होना चाहिए उसका, 610। वहीं EWS की भी बात करेंगे तो उसका भी कितना होना चाहिए, 610 मार्क्स होना चाहिए। लास्टली SC और ST की बात करते हैं अगर हम तो उसका कितना होना चाहिए, 125,000 जो है उसका रैंक होना चाहिए, उसमें कितना मार्क्स होना चाहिए, लगभग 484 मार्क्स अगर होंगे उसके तो फिर उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। लास्टली हम बात करेंगे ST कैटेगरी की, ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उसकी इतनी रैंक, मतलब मार्क्स कितना होना चाहिए, कम से कम 445 मार्क्स होना चाहिए स्टूडेंट का तो उसको मिल सकता है। इतना बात क्लियर है? तो अगर हम बात करें जो बच्चे बॉर्डर लाइन पर है, बॉर्डर लाइन पर है इन द सेंस कि जिन बच्चों के लगभग 600 से 610 या फिर 598 से लेके 610 मार्क्स आए हैं, वो बच्चे बॉर्डर लाइन पर रहते हैं। वो जो बॉर्डर लाइन पे रहते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें काउंसलिंग में बैठना चाहिए कि हमें अगले साल के लिए तैयारी करना चाहिए। तो ये आपका स्कोर बहुत अच्छा है, अगर आपका ये स्कोर आ रहा है तो आपके पास में दो ऑप्शंस हैं। एक फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि आप काउंसलिंग में बैठ सकते हो। ठीक है, आप काउंसलिंग भरो, बिल्कुल हो सकता है अगर कोई बच्चा नहीं लेता एडमिशन या समथिंग कुछ भी होता है, इंक्रीज होता है सीट, इंक्रीज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 1500 सीट जो है वो इंक्रीज हुई है, तो अगर सीट इंक्रीज होती है तो हो सकता है आपका चांस बन जाए। अगर नहीं बनता है तो फिर आप नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर मतलब 2020-24 के लिए तैयारी करो, वो भी कौन से कॉलेज के लिए तैयारी करो, एम्स के लिए, एम्स दिल्ली के लिए। ठीक है, एम्स दिल्ली के लिए। होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि दर्शन एकेडमी लेकर आया है नीट एवं IIT JEE की क्वालिटी एजुकेशन आपके अपने शहर सीहोर में। हमारे जो नया सेशन है 2024 वो शुरू हो चुका है, जिसका डेट 29 था, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर।